हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी साइंस। और आज की इस वीडियो में मैं प्रफुल्ल महाजन लेकर आया हूँ पॉलीमर्स को। आज हम सभी इस वीडियो में पॉलीमर्स चैप्टर को क्लियर करेंगे कि भाई पॉलीमर्स क्या होते हैं। वैसे तो हमने इसका नाम काफी बार सुना है, लास्ट क्लासेस में अगर जब हम 11th, 12th, 9th, 10th भी पढ़ते थे तो उस समय भी हमने काफी बार इसका नाम सुना था और शायद कुछ थोड़ा थोड़ा धुंधला धुंधला हमारे मेमोरी में याद भी होगा। लेकिन फिर से अपने मेमोरी को हम फिर से एक रिकॉल करते हैं और बहुत अच्छे तरीके से, शानदार तरीके से। और मेरा श्योर गारंटी है कि आपको इस वीडियो को देखने के बाद में ये कभी आप इसे नहीं भूल पाएंगे और आप चीजों को डेली लाइफ से कोरिलेट करके इसे अच्छे तरीके से याद रख सकते हैं। ठीक है, एक और चीज कि भाई समय बहुत गंभीर है, स्थिति बहुत गंभीर चल रही है, तो प्लीज आप इन बातों का ध्यान रखिए। स्टे होम, सेव लाइफ एंड बी सेफ, कीप डिस्टेंस। ये दो सेंटेंस जो मेरे इस वीडियो के स्टार्टिंग में आपको देखेंगे, इस ये दो सेंटेंस को आपको लेकर चलना है अपने लाइफ में। अभी के सिचुएशन को देखते हुए इससे आप अपना भी नहीं औरों का भी बहुत अच्छे तरीके से भला कर सकते हैं, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से। ठीक है, एक और बात बता दूं कि भाई ये जो वीडियो है ये जो यूजफुल होगा, सिर्फ ऐसा नहीं कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए लिखा हो, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के साथ साथ ये यूजफुल है इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट्स के लिए जो कि पॉलिटेक्निक या अदर सब्जेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि इनको भी ये जनरल मैकेनिक सब्जेक्ट रहता है। प्लस अगर हम बात करें माइनिंग की, या फिर बहुत ही अगर हम देखें तो ये होता है साथ ही साथ AMI सेक्शन ए की जो एग्जामिनेशन होती है, ये सारे ऑल ब्रांचेस के लिए ये बहुत ही यूजफुल साबित होगा। हाँ, ये तब यूजफुल साबित होगा जब इस वीडियो को आप पूरा टकटकी लगाकर ध्यान से सुनते हैं। ठीक है, तो बिना किसी इधर उधर ध्यान भटकाने से, आप भटकाए बिना आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए और चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। जैसा कि आप बात कर रहे हैं, इस वीडियो में हम कौन कौन सी चीजें डिस्कस करने वाले हैं, पहले हम उसका एक ओवरव्यू देख लेते हैं, तब उसके बाद हम चीजों को लेकर चलेंगे कि किस तरीके से हमें चीजें समझनी है। ठीक, अगर हम बात करें इंट्रोडक्शन, सबसे पहले हम पढ़ने वाले इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलीमर्स के बारे में, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे डेफिनेशन। फिर एक प्रॉपर वे में अगर हम चले तो वो चीजें हमें बहुत अच्छे तरीके से और लंबे समय तक की याद रह सकती है। तो पहले हम देखने वाले इंट्रोडक्शन, फिर देखेंगे अब डेफिनेशन ऑफ पॉलीमर्स, फिर आगे हम पढ़ने वाले हैं इंपॉर्टेंस ऑफ पॉलीमर, आगे हम डिस्कस करेंगे कॉमन एग्जाम्पल ऑफ पॉलीमर्स के, कुछ एप्लीकेशन भी देखेंगे, साथ ही साथ इसके टाइप भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि अगर हम बात करें पॉलीमर्स की, पॉलीमर्स आपको जैसे स्क्रीन पे दिख रहा है, इट इज द ग्रीक वर्ड। पॉलीमर एक ग्रीक वर्ड है और ये ग्रीक वर्ड भी दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। पहला तो हो गया आपका भाई, इसको अगर दो कैटेगरी में अगर हम इसे डिवाइड करते हैं या दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, तो पहला वर्ड बनता है आपका पॉली और दूसरा बनता है आपका मर। तो जैसा कि आपका मतलब है यहाँ दिखाया है कि पॉली का मीन्स होता है मेनी, मतलब बहुत सारे, और मर का मतलब अगर हम बात करते हैं तो मीन्स मतलब आपके पार्ट्स के बारे में। तो कंबाइन फॉर्म में हो गया कि बहुत सारे पार्ट्स की अगर हम बात करें तो उससे मिलकर के आपका ये पॉलीमर वर्ड बनता है। अब ये बहुत सारे पार्ट्स इसके हो गए, तो आइए इसे समझते हैं। अ पॉलीमर इज अ लार्ज मॉलिक्यूलर और पॉलीमर इज अ लार्ज मॉलिक्यूल और मोनो मॉलिक्यूल कंपोज्ड ऑफ मेनी रिपीटेड सब यूनिट्स। ठीक है, अगर हम बात करें जो आपका पॉलीमर होता है, ये बहुत लार्ज जो मॉलिक्यूल्स होते हैं या मोनोको मॉलिक्यूल्स होते हैं, इनसे मिलकर ये बना हुआ होता है। ठीक है, इसकी बात कर रहा है रिपीटेड सब यूनिट्स, मतलब जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ये थोड़े छोटे ने हम मोनो मॉलिक्यूल्स कहते हैं, या फिर लार्ज अमाउंट में जब होता है ये तो उसको मोनो मॉलिक्यूल्स मोनोक्रोमो मॉलिक्यूल्स भी कहते हैं। ठीक है, तो इसको अगर हम बात करें तो ये देखिए आपको इसको बार बार सेम एक ही जैसे दिख रहे हैं, मतलब एक तरह से हम कह सकते हैं कि इनका रिपीटेशन हो रहा है। ठीक है, आगे अगर हम बात करें ड्यू टू देयर ब्रॉड रेंज ऑफ प्रॉपर्टीज बोथ सिंथेटिक एंड नेचुरल पॉलीमर्स प्ले इसेंशियल एंड ऑब्लिक्यूटिव रोल्स इन एवरीडे लाइफ। मतलब अगर हम बात करें ये जो आपके मॉलिक्यूल पॉलीमर्स होते हैं या आपकी इनकी प्रॉपर्टी के बेसिस पे अगर हम देखें तो ये नेचुरल या फिर सिंथेटिक दो तरह के होते हैं, और ये हमारे दैनिक जीवन में जैसे कि इसमें बोला है प्ले एसेंशियल एंड ऑब्लिक्यूटिव रोल इन एवरीडे लाइफ, मतलब ये हमारे दैनिक दिनचर्या में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आप छोटी से छोटी चीज लेके बड़ी से बड़ी चीज को अगर ध्यान में रखते हैं तो सारे को आप देखिएगा कि उसमें पॉलीमर्स का यूज होता है। ठीक है,
इवन आप जो आप लैपटॉप या मोबाइल फोन में भी अगर आप जिस स्क्रीन पे देख रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं आपके पॉलीमर्स की बनी हुई होती है। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। डेफिनेशन ऑफ पॉलीमर्स की अगर हम बात करें, हम पॉलीमर इज अ सेट ऑफ मोलिक्यूलर मोनो मैक्रोमोलिक्यूल्स। ठीक है, अगर हम बात करें जैसे पॉलीमर्स बोला है, ये मैक्रोमोलिक्यूल्स जो होते हैं उनका एक तरह का सेट होता है। ठीक है, फॉर्म बाय द मोनोमर्स और सब्सटेंस कंपाउंड ऑफ द मैक्रोमोलिक्यूल्स। मतलब इसमें बात किया है कि भाई जो अगर हम इसका हिंदी निचोड़ अगर निकाले, जो सेंटेंस का अगर एक मीनिंग निकाले, तो उसमें बोला है कि जो पॉलीमर्स होते हैं ये मैक्रोमोलिक्यूल्स या मोनोमर्स की अगर हम बात करें, इन दोनों की कंबाइंड फॉर्म से मिलकर ही बना हुआ होता है। मतलब इनके सब्सटेंस या कंपाउंड इसके अंदर होते हैं जो आपके पॉलीमर्स के अंदर होते हैं। अगर बात करें, दो वर्ड आपके बहुत रिपीटेड हुए हैं, एक आपको कहा है मैक्रोमोलिक्यूल्स और दूसरा कहा है मोनोमर्स। ये दो वर्ड्स का मीनिंग क्या होगा, आइए समझते हैं। मैक्रोमोलिक्यूल्स मतलब होता है पॉलीमर्स आर गैंट मॉलिक्यूल्स ऑफ हाई मॉलिक्यूलर वेट कॉल्ड मैक्रोमोलिक्यूल्स। मतलब ऐसे मॉलिक्यूल्स की बात किया है, ऐसे पॉलीमर्स की बात किया है जिनके मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, मॉलिक्यूल्स मतलब अगर हम बात करें तो ये इस तरीके समझ सकते हैं, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स से बनके कोई भी आपकी बॉडी बनी हुई होती है। तो सेम अगर हम बात करें तो ये बोला है गेंट मॉलिक्यूल्स, मतलब थोड़े बड़े टाइप के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, हाई मॉलिक्यूलर वेट जिनका होता है, इस तरह के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं मैक्रोमोलिक्यूल्स कहते हैं। आगे ही सेकेंड वर्ड की अगर हम बात करें मोनोमर्स की, तो मोनोमर्स क्या होते हैं, अ लॉन्ग मॉलिक्यूल मेड अप फ्रॉम लॉट्स ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स कॉल्ड मोनोमर्स। मतलब इसने बोला है कि भाई ये जो आपके मोनोमर्स हो गए ये क्या हो गए, एक लॉन्ग मॉलिक्यूल्स हो गए एंड लॉट्स ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स। अगर अगर इसमें बात करें तो यहाँ पे आपको छोटे 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 मॉलिक्यूल्स दिखेंगे, या इस डायग्राम में भी आप देख सकते हैं, मतलब एक तरह की इसमें लॉन्ग चैन बनी हुई होती है, जैसे दिख रही है आपको एक लंबी लंबी चैन बनी हुई दिख रही है। जैसे आप मोबाइल फोन का यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, मोबाइल फोन का अगर स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो भाई स्ट्रक्चर में अगर हम माइक्रो लेवल पे अगर जाकर देखें तो उसके भी जो मॉलिक्यूल्स होगी ऐसी लॉन्ग चेन में बनी हुई होती है और तब जाके कंप्लीट बॉडी स्ट्रक्चर अपना बनाती है। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि इन दोनों की कंबाइंड फॉर्म को, जैसे अपने मैक्रोमोलिक्यूल्स का और मोनोमर्स का, इन दोनों की कंपोजिशन से आपके पॉलीमर्स बनते हैं। ठीक है, आपने समझा भाई, अगर ज्यादा वेट होगा और जो गेंट मॉलिक्यूल्स हो गए तो वो आपके कहलाएंगे मैक्रोमोलिक्यूल्स, और अगर हमने बात किया कि जो लॉन्ग मॉलिक्यूल्स हो गए और साथ ही साथ स्मॉल मॉलिक्यूल्स हो गए वो जो कहलाते हैं आपके, वो हो गए मोनोमर्स। ठीक है, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। पॉलीमर्स की अगर हम बात करें तो मोस्ट पॉलीमर्स आर हाइड्रोकार्बन, मतलब जो ज्यादातर आपके पॉलीमर्स होते हैं वो हाइड्रोकार्बन होते हैं। एग्जाम्पल की बात करें, मेड अप हाइड्रोजन एंड कार्बन। ठीक है, जो आपके पॉलीमर्स होते हैं यूजुअली अगर हम देखिए तो ये हाइड्रोजन के और कार्बन के बने हुए होते हैं। मोस्ट पॉलीमर्स इज यूज एज द सिनोनिम फॉर प्लास्टिक, मतलब अगर हम बात करें तो जो आपके पॉलीमर्स होते हैं ये तरीके से सिनोनिम्स होते हैं प्लास्टिक के। ठीक है, प्लास्टिक को हम लेकर चल सकते हैं कि वो उसका सिनोनिम्स है। ठीक, आगे बात करें, ऑल प्लास्टिक आर पॉलीमर्स बट नॉट ऑल पॉलीमर्स आर प्लास्टिक। मतलब भाई अगर आप कहें तो जितने भी पूरे प्लास्टिक है वो पॉलीमर्स हो सकते हैं, लेकिन पूरे पॉलीमर्स प्लास्टिक नहीं होंगे, है ना, इस तरीके से हम समझ सकते हैं। ठीक, चलिए आगे अगर हम बात करें तो जैसे आपको दिख रहा है इंपॉर्टेंस ऑफ पॉलीमर, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, एक सिस्टमैटिक पैटर्न के अकॉर्डिंग हम इसे डिस्कस करेंगे। तो इंपॉर्टेंस ऑफ पॉलीमर की अगर हम बात करें तो पॉलीमर्स फॉर्म अ वेरी इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ मटेरियल्स विदाउट विच द लाइफ सीम्स वेरी डिफिकल्ट। मतलब आप देखिए, आपके दैनिक जीवन में आप सुबह से उठते हैं, शाम तक के सोते तक के, आपके पॉलीमर्स का कहीं ना कहीं हर एक समय आप उसका यूज कर सकते हैं, चाहे आपकी पाव की चप्पल हो, चाहे आपके सुबह उठने के बाद जो टूथब्रश आप लेते हैं वो, यानी हर एक चीज में अगर आप देखिए तो पॉलीमर्स कहीं ना कहीं अपना रोल प्ले करता है। तो इस तरीके से कह सकते हैं हम कि भाई विदाउट पॉलीमर की हमारी लाइफ एक तरह से हम डिफिकल्ट दिख रही है, हम अपनी लाइफ की कल्पना ही नहीं कर सकते। एक तरह से कह सकते हैं कि हमारे ये लाइफ का एक एसेंशियल पार्ट हो गया है, एक महत्वपूर्ण अवयव हो गया है जो आपके पॉलीमर्स है। ठीक है, दे आर ऑल अराउंड अस इन एवरीडे यूज लाइक इन रबर। मतलब अगर हम बात करें कि ये हमारे चारों ओर हमेशा हम पॉलीमर्स से घिरे हुए रहते हैं। ठीक है, और दैनिक जीवन की जो भी चीजें हम यूज करते हैं, जैसे हमने बात किया रबर्स की,
प्लास्टिक की, रेजिन की, एडेसिव एंड एडेसिव स्ट्रिप्स की, तो ये जो सारी चीजें जो होती है आपकी, ये सारी आपकी पॉलीमर्स होती है, ठीक है। तो आप मान के चलिए या देखिए, मान के चलिए तो आप कह नहीं सकते, आप हमेशा इन पॉलीमर से घिरे हुए रहते हैं, और घिरे हुए रहते हैं तो भाई इसे, इसके बारे में समझना भी बहुत जरूरी है। जब हम इन चीजों का उपयोग करते हैं, इसे हम अपने डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं, तो इसे हमें समझना भी बहुत जरूरी है। इनके बारे में ज्यादा तो नहीं, लेकिन एक बेसिक इन्फॉर्मेशन हमें होनी चाहिए एज अ पढ़े लिखे होने के हिसाब से, या एज अ स्टूडेंट्स है, एज अ साइंस के स्टूडेंट्स है, इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स है, तो ये हमारे लिए बहुत एसेंशियल है। पॉलीमर्स रेंज फ्रॉम द फैमिलियर सिंथेटिक प्लास्टिक सच एज पॉलीस्टायरीन टू नेचुरल बायो पॉलीमर्स सच एज, मतलब इसमें जो बात किया है, जो पॉलीमर्स होते हैं इनकी, जो फैमिलीज के अगर हम बात करें, फैमिलियर्स जो होते हैं, फ्रॉम फैमिलियर सिंथेटिक प्लास्टिक जैसे इसके कैटेगरी में आते हैं, पॉलीस्टायरीन्स आते हैं, या फिर नेचुरल पॉलीमर्स की बात भी कह सकते हैं, ये भी इसकी कैटेगरी में आते हैं। नेचुरल जैसे हम बात करते हैं नेचुरल की, तो डीएनए एंड प्रोटीन्स जो होते हैं, ये नेचुरल पॉलीमर्स की कैटेगरी में आते हैं। अब डीएनए एंड प्रोटीन, अब पेड़ पौधों में भी आपके पॉलीमर्स होते हैं भाई, और आपकी बॉडी में भी अगर हम बात करें आपके डीएनए में, वहां भी आपके पॉलीमर्स होते हैं। तो फिर आप देखिए, आप सिर्फ चार मतलब पूरा समय पॉलीमर से घिरे ही नहीं रहते, इवन आपके बॉडी में भी पॉलीमर्स प्रेजेंट है, ठीक है। दैट आर द फंडामेंटल टू द बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, मतलब ये जो होता है आपके बायोलॉजिकल या भी जितने भी आपके स्ट्रक्चरल फंक्शन जो है, आपकी बॉडी के फंक्शन, जितने बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर है, या आपको बाहर भी जितने स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, या बायोलॉजिकल जितने भी आपको दिख रहे हैं, पेड़ पौधे या जीव जंतु जितने भी देखिए, इन सभी में कहीं ना किसी न किसी रूप से आपका पॉलीमर्स प्रेजेंट होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो इसमें हम इस तरह से हमने देखा कि पॉलीमर्स का भाई बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है आपकी लाइफ में, इवन आपकी बॉडी में भी, ठीक। कॉमन एग्जाम्पल ऑफ द पॉलीमर्स की अगर हम बात करें, तो पॉलीमर्स आर ऑफ टू टाइप्स, पॉलीमर्स को हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया है। फर्स्ट आपकी कैटेगरी होती है नेचुरल अक्यूरिंग, और दूसरी होती है सिंथेटिक और मैन मेड, ठीक है। नेचुरल मतलब जो नेचुरली प्रकृति में प्राकृतिक रूप से जो पाए जाते हैं, वो आपके नेचुरल पॉलीमर्स की कैटेगरी में आते हैं, और उसे सेकंड की अगर हम बात करें, जो आपके मनुष्य के द्वारा क्रिएट करके बनाए गए हैं, वो आते हैं आपके मेन मेड्स में, मेन मेड्स सिंथेटिक्स की अगर हम बात करें, ठीक है। एक और इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है, द बेकेलाइट वॉज द फर्स्ट सिंथेटिक पॉलीमर, मतलब अगर सिंथेटिक पॉलीमर्स की बात करें या फिर मेन मेड पॉलीमर्स की बात हम अगर करते हैं, तो बेकेलाइट आपका सबसे पहला जो सिंथेटिक पॉलीमर्स है, ठीक है, जो सबसे पहले डिस्कवर किया गया था या यूज किया गया था, अगर हम बात करें प्रोड्यूस ये किया गया था 1909 में प्रोड्यूस किया गया था, ठीक है। इसके बहुत डिटेल में नहीं जाते कि उसने क्या किया था, लेकिन जनरली अगर आपको जानना है तो आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिख सकते हैं, या अगली बार अगर आपको जानना है तो मुझसे आप पूछ सकते हैं, ठीक है। एंड ऑल्सो सेल्यूलोज विच इज द मेन कॉन्स्टिट्यूंट ऑफ द वुड एंड पेपर, मतलब इसने बोला है जो सेल्यूलोज होता है, विच इज द मेन कॉन्स्टिट्यूट ऑफ द वुड एंड पेपर। नेचुरल पॉलीमर्स की कैटेगरी में जो वुड पेपर है, इसके कैटेगरी में आते हैं आपके नेचुरल पॉलीमर के। आइए थोड़ा भी आप नेचुरल पॉलीमर्स को अंतर जानते हैं। नेचर प्रोड्यूसेस अ वैरायटी ऑफ पॉलीमर्स, मतलब नेचर जो होती है, अब बहुत वैरायटीज के आपके जो पॉलीमर्स होती है वो प्रोड्यूस करती है, ठीक है। दे आर बिल्ट बाय एन ऑर्गेनिज्म, मतलब ये ऑर्गेनिज्म के द्वारा बनाए जाते हैं। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, सिल्क जो होता है आपका, नेचुरल रबर होता है, स्टॉर्च होता है, और चिटिन होता है, प्रोटीन होते हैं, ये सारे के सारे आपके नेचुरल पॉलीमर्स की कैटेगरी में आते हैं। जैसे आपको दिख रहा है, ये जो आपके होते हैं, ये जो कीड़े होते हैं, ये सिल्क प्रोड्यूस करते हैं। अगर सेकंड में अगर हम बात करें कि ये बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पेड़ों से आपके दूध निकाला जाता है, उससे रबर प्रोड्यूस किया जाता है, तो ये सब नेचुरल जो पॉलीमर्स है इसकी कैटेगरी में आते हैं। तो इस तरीके से हमने देखा कि नेचुरल पॉलीमर्स क्या होते हैं। आइए आगे और समझते चीजों को। सिंथेटिक पॉलीमर जो कि हमारा सेकंड टाइप है कि सिंथेटिक, या इसे हम कह सकते हैं मेन मेड पॉलीमर, ठीक है। सिंथेटिक पॉलीमर आर डिराइव फ्रॉम द पेट्रोलियम ऑयल एंड मेड बाय द साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स, मतलब जो सिंथेटिक जो आपका पॉलीमर्स था, ये जो बोला है साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स के द्वारा बनाया गया, और ये कहाँ से बनाया जाता है, पेट्रोलियम जो ऑयल्स होते हैं इसके थ्रू ये आपके सिंथेटिक पॉलीमर्स बनाया जाता है। एग्जाम्पल ऑफ द सिंथेटिक पॉलीमर, या इनके हेल्प से बनाया जाता है, जरूरी है कि इसमें सिर्फ आपका पेट्रोलियम ऑयल्स होगा, इसका कुछ इसमें परसेंटेज प्रेजेंट होता है, ठीक। एग्जाम्पल की अगर हम बात करते हैं सिंथेटिक पॉलीमर्स की, इंक्लूड नाइलॉन जो अगर हम बात करें वो आपका सिंथेटिक पॉलीमर है, पॉलीथीन जो होता है वो भी है, पॉलिस्टर होता है, टेफ्लोन होता है,
एपॉक्सी होता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड जो होता है, पीवीबी होता है एंड मेनी मोर्स। ये सारे के सारे आपके क्या है, सिंथेटिक पॉलीमर्स के एग्जांपल है। जैसे आप हमको इमेज में दिख रहे हैं ये प्लास्टिक है ना, ये सारे प्रोडक्ट्स आपके किसके हैं, ये सिंथेटिक पॉलीमर्स के हैं। और ये सभी देन आपके साइंटिस्ट एंड इंजीनियरिंग की है। तो भाई इंजीनियर्स ने समझा, साइंटिस्ट ने समझा और जाना और उसके ऊपर रिसर्च वर्क किया और तब जाकर के आपको इसमें बेस्ट बेस्ट चीजें प्राप्त मिल गई है। पहले हमारे पास में एक वन ऑफ द एक सिंगल हमारे पास ऑप्शन होता था। अब बहुत ही एकदम पीछे जाकर देखिए हिस्ट्री में, तो आपको अगर पानी रखना है तो होता क्या था कि जानवर की जो चर्बी होती थी उसमें पानी को रखा जाता था, है ना। लेकिन हमने आज इतनी तरक्की कर ली कि एक इजी वे में एक इंसान आपको जानवर को मारने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। आप एक बॉटल रख करके आप कहीं भी इसे ले जा सकते हैं और अपनी प्यास बुझा सकते हैं। तो देखिए कितनी तरक्की कर रहा है इंसान ने, सिर्फ पढ़ाई के बेसिस पे, है ना, सिर्फ चीजों को जानने के और रिसर्च वर्क करने के बेसिस पे। तो ठीक है, तो पढ़ाई का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप चीजों को अच्छे से मतलब समझ के चलिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ पॉलीमर्स की बात करते हैं जो कि हमारा अगला पॉइंट है। इसमें अगर हम बात करें तो टाइप्स ऑफ पॉलीमर्स को हम 6 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पहला हमारा होता है नेचुरल पॉलीमर, दूसरा होता है आपका होमो पॉलीमर्स, थर्ड होता है आपका को पॉलीमर्स, फोर्थ की अगर हम बात करें थर्मोप्लास्टिक, और फिफ्थ है हमारा थर्मोसेट्स, एंड लास्ट हमारा है लॉन्ग चेन पॉलीमर्स। इस तरह से हमने देखा कि 6 कैटेगरी में हमने पॉलीमर्स को डिवाइड किया है। जैसे आप देखेंगे आपकी लाइफ में बहुत सारे प्रोडक्ट दिखते हैं प्लास्टिक से रिलेटेड, तो भाई आपके यहाँ जैसे आपको इमेजेस में दिख रहे हैं हर एक अलग अलग डिफरेंट टाइप के आपके प्रोडक्ट्स बने हुए दिख रहे हैं। तो भाई ये जो प्रोडक्ट है ये अलग अलग पॉलीमर्स के थ्रू ही बनाए गए हैं। तो हमने चीजों को सिस्टमैटिक समझने के तौर पर पॉलीमर्स को कुछ क्लास में डिवाइड किया है, अलग अलग तरह से उन्हें डिवाइड किया ताकि हम उनको उस कैटेगरी में रखकर चीजों को अच्छी तरह से समझकर और लेकर चल सके। ठीक है, बात करते सबसे पहले नेचुरल पॉलीमर्स की कि नेचुरल पॉलीमर्स क्या होता है। तो नेचुरल पॉलीमर्स इज अ पॉलीमर्स दैट रिजल्ट फ्रॉम ओनली रॉ मटेरियल्स दैट आर फाउंड इन नेचर। मतलब इसमें बात किया है कि जो नेचुरल पॉलीमर्स होते हैं ये जो रॉ मटेरियल्स होता है उनका एक तरह से रिजल्ट होते हैं, परिणाम होते हैं, उसके परिणाम स्वरूप ही बनते हैं जो आपके नेचुरल पॉलीमर्स होते हैं। अब अगर हम बात करें जैसे वेस्टेज होता है घर में आपके, जैसे फॉर एग्जांपल आप सब्जी बना रहे हो उसमें भी काफी सारा वेस्टेज निकलता है, तो उसके बाद में आपने उसको बाहर फेंक दिया तो वो डिकम्पोज होगा, उसके थ्रू आपके पॉलीमर्स जनरेट होंगे, मतलब उससे खाद बनेगा, उससे नया कुछ पौधा क्रिएट होगा या फिर उससे कुछ कीट पतंग उत्पन्न होगी, तो आप समझ सकते हैं उस तरीके से। सम ऑफ दिस नेचुरल पॉलीमर्स इंक्लूड डीएनए एंड आरएनए। मतलब ऐसे बात किया है कि कुछ नेचुरल पॉलीमर्स होते हैं इनमें डीएनए एंड आरएनए प्रेजेंट होता है, इनसे बने हुए होते हैं। कॉटन, डीएनए, फूड आर दी सम ऑफ द नेचुरल अक्योरिंग पॉलीमर। तो भाई आपको एग्जाम्पल दिख रहा है जो कॉटन होता है आपका, या फिर अगर हम बात करें जो डीएनए वुड होता है, ये सभी आपके क्या है नेचुरल पॉलीमर के एग्जाम्पल है, जैसा कि हमने इसके पहले भी बताया था। ठीक है, जैसे रबर निकल रहा है आपका, ये आपके नेचुरल पॉलीमर्स है, जैसे आपने इसे रस्सी वगैरह बनाया, ये आपका जो कॉटन है, ठीक है, कपास ये हो गया, ये सिल्क इससे आपने बनाया, जो कीड़े होते हैं। इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि अलग अलग कैटेगरी से हमें इस तरह से नेचर से हमें ये पॉलीमर्स, हमें नेचुरल पॉलीमर्स हमें प्राप्त होते हैं और इनसे हमने नेचुरल पॉलीमर्स किया जो कि नेचुरल प्रोसीजर के थ्रू हमें मिलते हैं, ना कि हमें इतने हमने इसे कुछ लैब में रिसर्च वर्क करके बनाया, ना कि साइंटिफिक मेथड के थ्रू बनाया, ये नेचर की देन है हमें। ठीक है, आगे अगर हम देखें होमो पॉलीमर जो कि हमारा सेकंड टाइप है। होमो पॉलीमर्स आर दी पॉलीमेरिक मॉलिक्यूल्स इन विच वन टाइप ऑफ दी केमिकल रिपीट यूनिट और मोनोमर्स इज रिपीटेड मेनी टाइम्स। मतलब टाइपिकली जो बोल रहा है लेस देन 1000 टू प्रोड्यूस अ लीनियर मैक्रोमोलिक्यूल्स ऑफ दी हाई मॉलिक्यूलर वेट। मतलब इसमें बोला है एक तरह से रिपीटेशन होता है बहुत सारी चीजों का, जैसे आप देखिए आप छोटे 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 बहुत सारे रिपीटेशन सेम साइज के दिख रहा है, तो बोला है कि अगर जो हाई वेट की जैसे अगर हम बात करें मैक्रोमोलिक्यूल्स की, इससे मिलकर बना हुआ होता है जो आपका होमोपॉलीमर्स होता है। होमोपॉलीमर्स आर सिंथेटाइज्ड फ्रॉम अ सिंगल टाइप ऑफ मोनोमर्स। मतलब जो होमोपॉलीमर्स होता है एक तरह से ये तो ये हम कहते थे एक तरह का ये सिंथेटिक पॉलीमर्स है ना, जो कि आपके साइंटिस्ट या इंजीनियर्स के द्वारा जनरेट डेवलप किया गया है। ठीक है, होमोपॉलीमर्स आर द कंसिस्ट ऑफ चेन विद द आइडेंटिकल बॉन्डिंग लिंकेज टू ईच मोनोमर्स यूनिट। मतलब इसमें हम बात करें बहुत सारे मोनोमर्स को अगर जो लाइट वेटेड आपके मोनोमर्स होते हैं, या फिर अगर हम बात करें जो मोनोक्रोम मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, इन्हें जोड़ के कंटिन्यूअसली बड़ी सी जो चैन बनाते हैं, तो इनमें हमें इनसे हमें जो प्रोडक्ट्स मिलेगा बाय रिजल्ट मिलेगा वो हमारा होगा क्या मोनोपॉलीमर्स होगा। मतलब दोनों को कॉम्बिनाइन फॉर्म अगर हम बात करें तो
ठीक है, जैसे आपको ये दिख रहा है, ये एग्जाम्पल है आपके मोनो सॉरी होमोपॉलीमर्स के, ठीक है। जैसे आपको ये दिख रहे हैं, ये कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं आपको जैसे अलग अलग तरीके के आप देख सकते हैं, ठीक है, मार्केट में अवेलेबल रहते हैं, तो ये आपके मोनोपॉलीमर्स के होमोपॉलीमर्स के एग्जाम्पल है। सेकेंड अगर बात करें, थर्ड आपका कि कोपॉलीमर्स क्या होते हैं, कोपॉलीमर्स की अगर हम बात करते हैं तो कोपॉलीमर्स इज अ पॉलीमर्स डिराइव फ्रॉम अ मोर देन वन स्पेसिफिक ऑफ मोनोमर्स, मतलब ये जो कोपॉलीमर्स होता है ये आपके जो मोनोमर्स होता है उसी की स्पीसीज है, उसी की प्रजाति का एक तरह से बात कर सकते हैं निकला हुआ है, ठीक है। द पॉलीमराइजेशन ऑफ द मोनोमर्स इनटू द कोपॉलीमर्स इज कॉल्ड कोपॉलीमराइजेशन, मतलब इसमें बात किया है जो पॉलीमराइजेशन की जो मोनोमर्स से होते हैं है ना कोपॉलीमर्स की, तो वो आप ये कहलाते हैं कोपॉलीमर्स कहलाते हैं। कोपॉलीमर्स ऑब्टेन बाय द कोपॉलीमराइजेशन ऑफ द टू मोनोमर्स स्पीसीज आर समटाइम्स कॉल्ड आर बायोपॉलीमर्स, ठीक। व्हेन टू और मोर डिफरेंट मोनोमर्स टुगेदर टू पॉलीमराइज देयर रिजल्ट इज कॉल्ड कोपॉलीमर्स, मतलब इस तरीके से हम समझ सकते हैं सेंटेंस में जो बताया कि जो टू एंड मोर देन डिफरेंट मोनोमर्स आपस में जाकर के मिलते हैं तो एक पॉलीमराइजेशन की प्रोसेस होती है और उससे जो रिजल्ट आपको मिलता है वो आपका कहलाता है कोपॉलीमर्स कहलाता है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। जैसे अगर हम होमोपॉलीमर्स की बात करें तो आपको जैसे इमेज में दिख रहा है ये सेम टाइप के आपको मॉलिक्यूल्स आपको नजर आ रहे हैं, लेकिन अगर कोपॉलीमर्स की अगर हम बात करते हैं तो आपको ये डिफरेंट डिफरेंट सेवन साइज के दिख रहे हैं, इसमें इससे मिलकर के आपको कोपॉलीमर्स बनाया। तो भाई इसमें बात किया है कि मोनोमर्स को और साथ में आपके जो आपके मोनोमर्स होते हैं, ठीक है, और मोनोक्रोम जो आपके मोनोक्रोम सॉरी आपके जो मोनोमर्स होते हैं, ठीक है, और साथ ही साथ और जो मोनोक्रोमेटिक होते हैं, इन दोनों के जो आपके पॉलीमराइजेशन की प्रोसीजर होती है और उसके थ्रू जो प्रोडक्ट आपका निकला उससे आपको मिला आपका कोपॉलीमर्स मिला, ठीक। ये जो आपका दिख रहा है डायग्राम के थ्रू आप समझ सकते हैं कि जो होमोपॉलीमर्स होते हैं मतलब होम मतलब एक समान रूप से, तो ये समान रूप से ए टाइप के पूरे है, चैन एक तरह से चैन बन रही है, उस तरीके से आपको जो पॉलीमर्स रिजल्ट मिला पॉलीमर्स बना हुआ मिला वो आपका कहलाता है होमोपॉलीमर्स। सेकेंड अगर रैंडम कोपॉलीमर्स की बात करें या कोपॉलीमर्स की अगर बात करते हैं तो इसमें होता है जैसे इसमें इस बीच में दो तरह के जो पॉलीमर्स होते हैं इनसे मिलकर बनाता है या दो तरह के मॉलिक्यूल से मिलकर बना जो हुआ आपको जो मिला प्रोडक्ट वो जो बाय प्रोडक्ट मिला आपका कहलाया कोपॉलीमर्स कहलाया। तो रैंडम पॉलीमर मतलब बीच में कभी भी कोई भी दूसरा आ गया रैंडमली आ गया, जैसे बी बाय ए आ गया फिर उसके बाद रैंडमली अचानक से आपका बी आ गया फिर कंटिन्यूसली ए चल रहा है फिर अचानक से बी आ गया, तो इस तरीके से कहते हैं रैंडम कोपॉलीमर्स कहलाए थे हमने। ब्लॉक कोपॉलीमर्स कहते हैं मतलब ये कंटिन्यूस चल रहा है एकदम से ब्लॉक टाइप का तीरों के जो ना एक साथ यूनिट बीच में आ गई फिर ये चला फिर बीच में आ गई, तो इस तरीके से ब्लॉक पॉलीमर्स हमने कहे थे। अल्टरनेटिंग कोपॉलीमर्स मतलब एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक, तो ये आपके जो कोपॉलीमर्स है इनके हमने टाइप्स देखा कि ये तीन कैटेगरी में हमें डिवाइड कर सकते हैं। चलिए आगे हम बात करते हैं थर्मोप्लास्टिक की, अगला टाइप है हमारा जो पॉलीमर्स का है। थर्मोप्लास्टिक आपकी देखिए थर्मोप्लास्टिक इज अ मटेरियल यूजुअली अ प्लास्टिक पॉलीमर्स व्हिच बिकम्स मोर सॉफ्ट व्हेन हीटेड एंड हार्ड व्हेन कूल्ड, मतलब इसमें बोला है कि जो थर्मोप्लास्टिक होते हैं ये ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो कि प्लास्टिक पॉलीमर्स में यूज किए जाते हैं और व्हिच बिकम्स मोर सॉफ्ट मतलब अगर हम इसे हीट प्रोवाइड करते हैं तो ये बड़े सॉफ्ट बन जाते हैं ना इजीली बड़े एकदम से लचीले टाइप के बन जाते हैं एंड जैसे ही धीरे धीरे इसे हम कूल करते हैं मतलब ठंडा करते हैं तो ये काफी हार्ड बन जाते हैं, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये हमारे थर्मोप्लास्टिक कहलाते हैं। थर्मोप्लास्टिक मटेरियल कैन बी कूल्ड एंड हीटेड सेवरल टाइम्स विदाउट एनी चेंज देयर केमिस्ट्री और मैकेनिकल प्रॉपर्टी, मतलब जो थर्मोप्लास्टिक होते हैं इनकी एक बड़ी अच्छी प्रॉपर्टी होती है कि इसे हम कई बार गर्म ठंडा कर सकते हैं और गर्म ठंडा ये प्रोसीजर करने के बाद भी इसकी केमिकल और मैकेनिकल प्रॉपर्टी में कोई चेंजेस नहीं आता, मतलब एज इट इज अपनी ये प्रॉपर्टी बनाए रखते हैं। तो आप अगर देखिए किसी को गर्म ठंडा कर रहे हैं तो उसमें होता है कि कई सारी प्रॉपर्टी उसकी नष्ट हो जाती है ना डिस्ट्रॉय हो जाती है, लेकिन इसमें थर्मोप्लास्टिक में ये एक बड़ा अच्छा प्लस पॉइंट रहता है कि आप इसे ठंडा गर्म करते हैं ये कोई इसके प्रॉपर्टी में कोई चेंजेस नहीं आएगा, ये हमेशा अपनी प्रॉपर्टी एक समान बना के रखते हैं, ठीक कॉन्स्टेंट रहती है इनकी प्रॉपर्टी। वेन थर्मोप्लास्टिक आर हीटेड टू दियर मेल्टिंग पॉइंट दे मेल्ट टू अ लिक्विड, मतलब उसके जो थर्मोप्लास्टिक होते हैं इसकी मेल्टिंग पॉइंट मतलब गलना
बिंदु तक की अगर हम इसे गर्म करते हैं तो एकदम तरह ये लिक्विड की तरह मेल्ट हो जाते हैं, जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ पे इसका सॉलिड फॉर्म था। जैसे हमने इसे टेम्परेचर प्रोवाइड किया, हीट प्रोवाइड किया, तो ये एक लिक्विड के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, एग्जाम्पल की अगर हम बात करें थर्मोप्लास्ट की, तो पॉलीथीन जो होती है, नाइलॉन जो होता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड जो होते हैं, ये सारे आपके थर्मोप्लास्टिक के एग्जाम्पल है। और जैसा कि मैंने ऊपर बताया है, इनके ऊपर आप ऐसा एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं तो आपको जस्ट ऐसे ही आपको रिजल्ट मिलेंगे जैसा हमने ऊपर के पॉइंट्स में डिस्कस किया है। ठीक, तो हमें ये समझा थर्मोप्लास्टिक के बारे में। ये आपके कुछ एग्जाम्पल है आपके थर्मोप्लास्टिक के, जो आपके प्लास्टिक है, ये जो आपके और भी प्लास्टिक के प्रोडक्ट्स है, ठीक, अलग अलग तरीके से। अगला हमारा थर्मोसेट्स। थर्मोसेट्स क्या होते हैं? थर्मोसेट्स आर पॉलीमर्स इन विच आर क्रॉस लिंकिंग रिएक्शन ऑक्योर प्रोमोटिंग केमिकल बॉन्डिंग बिटवीन द मैक्रोमोलिक्यूल्स एंड क्रिएटिंग अ थ्री डायमेंशनल 3D नेटवर्क। मतलब जो थर्मोसेट्स होते हैं, इसमें बोला है कि इनके बीच में एक क्रॉस लिंकिंग होती है, मतलब इसके मॉलिक्यूल जो आपस में जुड़ते हैं, ये कंटिन्यूस तो जुड़ेंगे लेकिन एक क्रॉस लिंकिंग के थ्रू जुड़े हुए होते हैं। क्रॉस लिंकिंग के जैसे हम बात अगर करें यहाँ पे का डायग्राम के थ्रू थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे आप देखिएगा कि मान लीजिए ये आपके तीन एक्सिस है, एक ये आपने ये ले लिया 3D व्यू। अगर हम बात करें कि आपका हो गया एक्स, ये हो गया आपका वाई और ये हो गया आपका जेड एक्सिस, तो इसके जो मॉलिक्यूल्स हो गया, अगर हम बात करें, मान लीजिए ये मॉलिक्यूल्स है, तो ये मॉलिक्यूल जो होते हैं आपस में ये क्रॉस लिंकिंग के थ्रू जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, चलिए थोड़ा हम समझ लेते हैं इसमें। ये अगर हम बात करें ऐसे, ये एक दूसरे से क्रॉस लिंकिंग के थ्रू ये जुड़े हुए होंगे। जैसे हम इसकी बात करते हैं, ये अगले वाले से जुड़ा होगा, ये इससे जुड़ा होगा, ये इस तरह से इससे जुड़ा होगा, तो ये आप समझ सकते हैं कि इस तरह से आपके जो थर्मोसेट्स होते हैं ये क्रॉस लिंकिंग के थ्रू एक दूसरे से जुड़े होते हैं, और इस तरह से ये आपके थर्मोसेट्स का ये इंटरनल स्ट्रक्चर तैयार होता है। ठीक है, ये इसमें बताने की कोशिश किया है। थर्मोसेट हैविंग द प्रॉपर्टी टू ऑफ बिकमिंग परमानेंटली हार्ड एंड रिजिड व्हेन हीटेड। मतलब इसकी बात अगर हम करें, जो थर्मोसेट्स होते हैं इसे भाई इसमें एक इसकी जो प्रॉपर्टी बोल सकते हैं या फिर एक तरह से इसका लिमिटेशन बात कर सकते हैं कि थर्मोसेट्स को अगर आप हीट प्रोवाइड करते हैं, गर्म करते हैं, तो ये पिघलेंगे तो सही, लेकिन पिघलने के बाद हार्ड, जैसे ही वो जिस शेप में कन्वर्ट हो जाएंगे तो वो एज इट इज उसी शेप में रहेंगे, अब वो दोबारा से दूसरे शेप में कन्वर्ट नहीं होंगे, मतलब परमानेंटली हार्ड हो जाते हैं वो, उसे आप फिर दोबारा से गर्म नहीं कर सकते, दोबारा से गर्म करके लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट भी नहीं कर सकते और दूसरे और फॉर्म में अदर फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ये बड़ी अच्छी प्रॉपर्टी होती है आपकी थर्मोप्लास्टिक में कि आप इसे गर्म करके किसी भी शेप एंड साइज में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर हम थर्मोसेट्स की बात करें तो इसका ये लिमिटेशन होता है कि ये अपनी एक ही पोजिशन में रहता है। अगर इसे फिर आपने फिर से गर्म करने की, इसके छेड़खानी करने की कोशिश किया तो ये फिर खराब हो जाएगा। ठीक है, थर्मोसेट्स आर हार्ड एंड रिजिड एट रूम टेम्परेचर। मतलब जो थर्मोसेट्स होते हैं वो आपके रूम टेम्परेचर पे हार्ड होते हैं, रिजिड होते हैं, एंड डू नॉट सॉफ्टन ऑन दी हीटिंग। और आपने अगर इसे हीट भी प्रोवाइड किया, किसी मान लीजिए किसी सोर्स के थ्रू आपने इसे ताप दिया, तो ये गर्म होने पर मेल्ट नहीं होंगे या इसमें कोई हीटिंग शॉक नहीं होगी। ठीक, एग्जाम्पल की अगर हम बात करें थर्मोसेट्स की, तो एपॉक्सी जो आपके होते हैं, रेजिन्स जो होते हैं, फिनोलिक जो रेजिन्स होते हैं, अनसैचुरेटेड पॉलीमर्स रेजिन जो होते हैं, ये सब आपके थर्मोसेट्स के एग्जाम्पल है। आई होप कि आपको चीजें समझ आ गई होगी, या हम कुछ एग्जाम्पल देख सकते हैं, दो डायग्राम के बीच कंपैरिजन कर सकते हैं। मतलब ये थर्मोप्लास्टिक जो है, ये प्रोडक्ट है, इसे क्या कर सकते हैं, कैन बी मेल्ट रैपिडली। मतलब इसे हम, जैसे मान लीजिए आपने किसी पैन पे गैस पे रखा है, ये आपका हो गया थर्मोप्लास्टिक और ये हो गया आपका थर्मोसेट्स, तो थर्मोप्लास्टिक क्या होगा, घी के जैसे धीरे 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 जाकर के बटर के जैसे पिघल जाएगा। लेकिन अगर आपने थर्मोसेट्स लगा, ये प्रोडक्ट इस पैन पे रखा, तो आप सेम टेम्परेचर दे रहे हैं, तो ये बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं होगा, मेल्ट नहीं होगा और इसमें कोई इसमें चेंजेस नहीं होगा। तो वन सेट कैन बी मेल्टेड, मतलब ये एक शेप में बना लिया आपने एक बार इसे, तो परमानेंटली वो उसी शेप में रहेंगे और हार्ड रहेंगे। ठीक, तो अब इस तरीके से हम चीजों को समझ सकते चल सकते। लास्ट बस हमारा लास्ट पॉइंट है आपका लॉन्ग चेन पॉलीमर, जो कि लास्ट टाइप है आपका पॉलीमर्स का। लॉन्ग चेन पॉलीमर, जैसे कि नाम से ही आपको समझ आ रहा है कि ये जो पॉलीमर्स इज अ लार्ज मॉलिक्यूल और मैक्रो मॉलिक्यूल्स कंपोज्ड ऑफ मेनी रिपीटेड सब यूनिट। मतलब जो मैक्रो आपके लॉन्ग चेन पॉलीमर्स होते हैं, मतलब ये होते हैं कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, है ना,
छोटे इसके मॉलिक्यूल्स होते हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल्स अगर हम बात करें तो ये क्या होते हैं, इन दोनों से मिलकर के बने हुए होते हैं और एक तरह से एक लंबी चेन रिपीट करते हैं, ये काफी लंबी सब यूनिट्स में होते हैं, रिपीटेशन में होते हैं, जैसे एक पला फिर दूसरा फिर तीसरा फिर तीसरा चौथा पांचवा, इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि सो ऑन, बहुत लंबे समय तक की ये इनकी लंबी सी यूनिट्स होती है। इन द केस ऑफ द अनब्रांचेड अनब्रांच्ड पॉलीथीन्स दिस चेन इज अ लॉन्ग चेन एन अल्कलाइन, देयर आर ऑल्सो ब्रांच्ड मैक्रोमोलिक्यूल्स विद द मेन चेन एंड साइड, मतलब इस तरह से हम समझ सकते हैं, ज्यादा इसमें हम डिटेल में नहीं समझे, बस एज अ जनरल वे में पता होना चाहिए कि लॉन्ग चेन पॉलीमर जैसे नाम ही से स्पष्ट है, इसमें जो पॉलीमर्स इज अ लार्ज मॉलिक्यूल और मैक्रोमोलिक्यूल्स कंपोज्ड ऑफ मेनी रिपीटेड सम, मतलब इसमें प्रेजेंट हो गए मॉलिक्यूल भी होगी और मैक्रोमोलिक्यूल्स भी होगी, तो ये लॉन्ग रिपीटेड चेन में आपस में एक दूसरे से कंपोज हो गए, कंबाइंड फॉर्म में हो गए, और एज उसका जो रिजल्ट हमें मिलेगा वो आपका होगा लॉन्ग चेन पॉलीमर्स का। तो सर सो थैंक यू, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए, आई होप कि इस वीडियो से आपको काफी सारी जानकारी मिली होगी और आप इसको चीजों को अच्छे तरीके से कोरिलेट करके चलोगे और आप इसे कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है। ठीक तो ठीक है, लास्ट में आपको बस यही कहना चाहूंगा कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और एजुकेशन का या वीडियो का लाभ उठाइए, ठीक है, धन्यवाद।